में आपको एक ऐसी पे लेटर एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर आप इस एप्लीकेशन में बिजली का बिल भी यहाँ पे भर सकते हैं। साथ में अगर आपको गैस सिलेंडर का यहाँ पे बिल भरना है तो आप गैस सिलेंडर का भी यहाँ पे बिल भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। सिर्फ पैन कार्ड के बेसिस के ऊपर ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करती है। किसी प्रकार के बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब मैं चलता हूँ प्रॉपर स्क्रीन की तरफ, आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो जो आ गया अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इस एप्लीकेशन का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन यहाँ पे प्रीपेड का रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रीपेड का रिचार्ज करना तो आप इस एप्लीकेशन से प्रीपेड का भी यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्टपेड का भी आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद फास्टैग, अगर आपके पास फास्टैग है तो फास्टैग को भी आप यहां से यूज कर सकते हो। तो यहां पे अगर गैस सिलेंडर अगर इमरजेंसी हो चुकी है तो आप यहां से गैस सिलेंडर का भी बिल यहां पे भर सकते हो। उसके बाद डीटीएच को भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके घर बिजली का बिल आ चुका है तो अगर आपके पास एट ए टाइम यहाँ पे पैसे नहीं है तो आप इस पे लेटर के जरिए बिजली का बिल भी यहाँ पे आसानी से भर सकते हैं। तो उसके बाद ब्रॉडबैंड, अगर आपने वाईफाई को यहाँ पे लगा रखा है या ब्रॉडबैंड आप यहाँ पे यूज करते हो तो आप यहाँ से ब्रॉडबैंड का भी यहाँ पे बिल भर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, अगर आपका पानी का बिल आ चुका है तो आप यहाँ से पानी का बिल भी आप यहाँ पे आसानी से भर सकते हो। उसके बाद पाइप गैस लैंडलाइन और डाटा कार्ड, तो आप इसको किसी भी अदर मतलब की कहीं पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बैक करता हूँ। तो बैक करने के बाद अगर आप यहाँ से कोई शॉपिंग करना चाह रहे हो या आप यहाँ से कुछ भी सामान लेना चाह रहे हो तो आप वहाँ से कुछ भी सामान कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं जैसे ही बैक करता हूँ तो आप इसको मेक माई ट्रिप, तो आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप में आप किसी भी बाहर जा सकते हो तो आप इसकी लिमिट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे हवाई जहाज में जाना चाह रहे हो, किसी भी अदर मतलब की ट्रेन में सफर करना चाह रहे हो, कुछ भी सफर करना चाह रहे हो तो भी आप इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे जियो मार्ट, अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी है बास्केट तो आप वहाँ से वो भी शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे इन्होंने यहाँ से फैसिलिटी दे रखी है। और अगर आप यहाँ से जोमेटो पे कोई भी मतलब की कोई भी फूड ऑर्डर करना चाहते हो या स्विगी पे फूड ऑर्डर करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिमिट कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी 21,800 रुपए की, मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी। अगर आप इसको टाइमली अच्छे से पे करते रहेंगे तो आपके यहाँ पे जो लिमिट है वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्योंकि जो मुझे लिमिट मिली थी यहाँ पे पहले 10,000 की मिली थी, 10,000 के बाद जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है पूरे 21,800 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है। और सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करती है। किसी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप इसकी लिमिट को यहाँ पे बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो भी मेथड में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फास्टैग का, तो आपको इसको फास्टैग को यहाँ पे यूज करना है। तो अगर आप इसको फास्टैग आपके पास है तो आप इसकी लिमिट को फास्टैग के जरिए अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और 20 दिन तक आप इसको 0% इंटरेस्ट पे आप इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसकी लिमिट को 1 तारीख को यूज करोगे तो आपको इसको 20 तारीख को पे करना पड़ेगा। अगर आप इसकी लिमिट को 15 तारीख को यूज करोगे तो आपकी इसकी लिमिट को यहाँ पे 5 तारीख को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। उसके लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर 600 है तो भी आप इस एप्लीकेशन पे यहाँ पे लिमिट आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको मतलब कि इसको जोमेटो पे यूज करना है या इसको किसी अदर मतलब वहां पे यूज करना है तो भी आप इसको यहाँ पे आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे 10,000 की लिमिट मिली थी, सेकंड टाइम मुझे लिमिट यहाँ पे 21,800 रुपए की यहाँ पे आसानी से मिल चुकी है। तो अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा और अच्छा रहा तो आपको वहाँ पे अच्छी खास आपको यहाँ पे लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।